हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मेरे इस वीडियो में जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट सेकंड, यानी डीएनए रेप्लिकेशन की जो बेसिक जानकारी थी स्टूडेंट्स, वो मैं आपको मेरे पिछले लास्ट वीडियो में बता चुका था। अभी मैं जो थोड़ी डिटेल से जानकारी है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले जो मैंने बेसिक जानकारी दी थी कि डीएनए रेप्लिकेशन किस मॉडल से स्टार्ट हुआ, कैसे था, तो मैं सेल्सन स्टॉल के मॉडल के बारे में बात की थी। हम लास्ट टाइम जो टॉपिक पे पहुँचे थे वो ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में 5 स्टेप्स होती हैं। पहला स्टेप डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड्स का एक्टिवेशन, सक्रियता, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, डीई यानी डीई फॉर डीऑक्सी एएमपी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि मोनो एकल इकाई या फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों होता है कि मोनोफॉस्फेट इकाइयाँ हैं वो ट्राईफॉस्फेट इकाई में चेंज हो रही हैं? तो उसका कारण है कि कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्सों को सक्रिय करने के लिए मोनोफॉस्फेट का ट्राईफॉस्फेट में चेंज होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, ये बेसिक जानकारी में था। दूसरी, उद्गम स्थल के पहचान लक्षण, उद्गम स्थल के पहचान लक्षण, जिसको हम इंग्लिश में ओरिजन साइट ऑफ डीएनए बोलते हैं, यानी कि ओआरआई साइट, उद्गम स्थल की पहचान, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया डीएनए की किस साइट पे होगी, उस स्थल को पहचानना, वो एक स्टेप है डीएनए पुनरावृत्ति की। तो एक्चुअली में ऐसा है क्यों, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो एक दो न्यूक्लियोटाइड्सों में नहीं होती, वो लगभग 100 से 2 न्यूक्लियोटाइड्सों में पुनरावृत्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इस प्रक्रिया को हम डीएनए का विखंडन भी बोल सकते हैं, डीएनए के खुलने की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। इकोलाई में पुनरावृत्ति उद्गम स्थल में 245 क्षार युग्म उपस्थित रहते हैं, लगभग 245 क्षार युग्म उपस्थित हैं किसमें, इकोलाई के पुनरावृत्ति स्थल में। बात करें रेप्लिकेशन के लिए, जो क्रोमोसोम्स में, जीन में, डीएनए में एक पर्टिकुलरली एक साइट होती है, उसको हम रेप्लिकॉन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन, ये साइट है वो पर्टिकुलरली। तो ये बेसिक जानकारी थी, उद्गम स्थल की पहचान के लिए लगभग 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ये एक निश्चित अनुक्रम से प्रारंभ होता है। उसके अलावा इकोलाई में पुनरावृत्ति स्थल में 245 क्षार युग्म होते हैं, रेप्लिकॉन के लिए, एक तरह से रेप्लिकेशन के लिए रेप्लिकॉन स्थल की आवश्यकता होती है, यानी कि इकोलाई के अंदर तो एक ही रेप्लिकॉन स्थल होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे रेप्लिकॉन पाए जाते हैं। एक्चुअली में रेप्लिकॉन है क्या, रेप्लिकॉन वो साइट है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, डीएनए का वो भाग जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया दर्शाता है। स्टूडेंट्स, इस बात के लिए मैं इस डीएनए के डायग्राम में ये बात क्लियर करना चाहूँगा, सबसे पहले तो डीएमपी डीटीपीएम एटीपी में चेंज हुआ, एएमपी कन्वर्ट इनटू एटीपी। दूसरी बात, उद्गम स्थल या डीएनए का भी कुंडलन स्थल, जो ये स्थल है पर्टिकुलरली, भाई डीएनए के इस साइट पे क्यों नहीं हुआ रेप्लिकेशन, यही क्यों हुआ, तो ये क्या है, एक तरह से उद्गम स्थल हो गए। ये स्टूडेंट्स क्या हो गए आपके, उद्गम स्थल। बात करें डीएनए की नई श्रृंखला के संश्लेषण में, डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण, एक्चुअली में ये जो है आपका एक तरह से ये विखंडन की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है, पहले आपका एक ही साइट होता है, ये ओनली सिंगल साइट,
फिर दूसरा, जैसे ही डीएनए की नई श्रृंखला, तीसरी स्टेप है आपके डीएनए की नई श्रृंखला, जिसमें प्राइमर का निर्माण होता है, पूरक श्रृंखलाओं का जुड़ना होता है, आरएनए प्राइमर पर नई श्रृंखला का जुड़ना, उन चारों पांचों स्टेप को मिला के फिर ये नए एक तरह से इसमें श्रृंखला बन पाती है, इस प्रकार से ही यहाँ पर बन पाती है। अब हम बात करेंगे कि वो डीएनए की नई श्रृंखला संश्लेषण के लिए कौन कौन सी स्टेप्स है। सबसे पहले प्राइमर का निर्माण, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जब श्रृंखला बनती है तो इस श्रृंखला के साथ में किसका एक तरह से जुड़ाव होगा, प्राइमर का निर्माण हुआ, प्राइमर एज ए एंजाइम वर्क करते हैं यहाँ पे। दूसरा पूरक श्रृंखलाओं का जुड़ना, पूरक श्रृंखलाएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तीसरा आरएनए प्राइमर पर नई श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा, आरएनए का जो प्राइमर है उस पर नई श्रृंखलाएँ बनेंगी। चौथा आरएनए प्राइमर का क्या होना, विच्छेदन होना। और पाँचवा ओकाजाकी खंडों का योग होना। इस स्टेप के लिए मैं इस डायग्राम पे फोकस करूँगा। ये डायग्राम है उसमें सबसे पहले यहाँ पर ये गाइडेज एंजाइम होता है, गाइडेज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके ये रेप्लिकॉन साइट हो गए, ये दो आपके साइट हैं, एक तो लीडिंग स्टैंड कटऑफ चैन और दूसरी है लैगिंग स्टैंड। हमने लास्ट बात की ओकाजाकी खंडों के बारे में, जो ये असतत चैन है, असतत, असतत का मतलब हो गया एक तरह से जो ये चैन है वो टुकड़ों में है, असतत है, डिसकंटिन्यूस फेज है, असतत है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्टैंड बोल रहे हैं। और एक्चुअली में ये क्या है, ओकाजाकी खंडों के द्वारा बनी हुई, ये ओकाजाकी खंड हैं वो डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जुड़ जाते हैं। ये ओकाजाकी खंड हैं वो किधर से किधर, 5-3 साइट की ओर क्या होंगे, ऐड होंगे। एक दूसरा होता है सतत चैन, जिसमें लीडिंग स्टैंड होता है जो 3-5 साइट की होता है, लीडिंग और लैगिंग जो एक तरह से लैगिंग और लीडिंग दोनों स्टेज हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती है। इस प्रकार डीएनए का ये आपका नए श्रृंखला का निर्माण हुआ, एट लास्ट कौन सी प्रक्रिया होगी, आपकी टर्मिनेशन की प्रक्रिया होगी। टर्मिनेशन की प्रक्रिया के दौरान आपका पूरा डीएनए का एक तरह से संश्लेषण हो पाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, समाप्तिकरण या टर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है, ये आपकी टर्मिनेशन की प्रक्रिया, इस टर्मिनेशन की प्रक्रिया में एक्चुअली में होता क्या है, जो डीएनए के एक तरह से कुंडल हैं, डीएनए के एक तरह से सिस्टम है वो बन पाता है। डीएनए के कुंडल का निर्माण समाप्तिकरण की प्रक्रिया में हो जाता है और कम्प्लीटली डीएनए है वो अपने पूरक क्षार युग्मकों की सहायता से दूसरी नई श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। जैसे ही ये नई श्रृंखला का निर्माण होता है तो सीधी सी बात है, डीएनए एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया। भाई ये एक पहले एक चैन थी, इससे दो चैन का निर्माण हो गया, इसके मतलब पुनरावृत्ति की प्रक्रिया क्या हुई, कम्प्लीट हुई। और इस प्रकार से आपको बेसिक जानकारी के रूप में डीएनए पुनरावृत्ति की बात समझ में आई होगी। इनका यदि आपको देखा जाए तो डिटेल से पढ़ने के लिए पूरा एक एक के बारे में दो दो चार चार लाइन लिखनी होती हैं। मैं जैसे इनको बोल के बता रहा हूँ, वो बातें आपको यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिख के बतानी है। जैसे प्राइमर है, प्राइमर में पर्टिकुलरली प्राइमेज एंजाइम होता है, या फिर विशेष प्रकार के एक तरह से क्षार युग्म होते हैं जो एक तरह से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया को चालू करते हैं। दूसरा पूरक श्रृंखलाओं का जुड़ना, पूरक श्रृंखलाएँ जो आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। और आपके आरएनए प्राइमर पर नई डीएनए श्रृंखला निर्माण होती हैं, नई डीएनए श्रृंखला बनती हैं, आरएनए प्राइमर का क्या होता है, विच्छेदन होता है, फिर ओकाजाकी खंडों का निर्माण होता है। ओकाजाकी खंडों की एक्चुअली में बात करें हम डिटेल से, ओकाजाकी खंडों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ओकाजाकी खंडों के बारे में बात करें तो ओकाजाकी एक साइंटिस्ट थे जो कि जापान के हिरोशिमा, जहाँ पे आपका एक तरह से परमाणु विस्फोट हुआ था जो द्वितीय विश्व युद्ध में, वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उनका जन्म हुआ और उन्होंने इस पूरी बात के बारे में बताया कि भाई ओकाजाकी खंड एक्चुअली में होते क्या है। उनके साथ में उनकी पत्नी ने भी सहायता की कि ओकाजाकी खंडों के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से बताई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट की सहायता से उन्होंने बताया कि ओकाजाकी खंड हैं वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह कार्य करते हैं और बाद में वो लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़कर और कम्प्लीटली पूरा डीएनए बना लेते हैं। एक्चुअली में डीएनए निर्माण की दो प्रक्रियाएं, एक तो सतत चयन और दूसरी असतत चयन।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, जिसके माध्यम से मेरे दो वीडियो हैं, इससे पहले पार्ट फर्स्ट है पार्ट सेकंड है, दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से आपको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के बारे में पूर्ण रूप से समझ आ जाना चाहिए। स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।